इतना कुछ होने के पश्चात भी वो तीनों देवियां भला कहां हार मानने वाली थी। इसलिए देवी अनुसुईया को अपने पति के विरुद्ध करने के लिए उन्होंने दूसरी चाल चली। देवी अनुसुईया, जब अत्रि ऋषि आएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, किंतु अभी हमने ये निर्णय लिया है कि अब आप इस आश्रम को और अत्रि ऋषि के जीवन को छोड़ के चले जाइए। ये क्या कह रही हैं आप? हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब आपको इस आश्रम को और अत्रि ऋषि को त्यागना ही होगा, तभी हम तीनों अपने पति को पा सकेंगे। मेरा त्याग मेरी इच्छा पर या आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यदि मेरे पति मेरा त्याग कर देंगे तो मैं स्वेच्छा से इस आश्रम को छोड़कर चली जाऊंगी। बहनों, ये स्त्री केवल भोली भाली दिखती है, किंतु ये नहीं चाहती कि हमें हमारे पति मिले। यदि ये प्रेम की भाषा नहीं समझ रही है तो हम जानते हैं इसे कौन सी भाषा से समझाना है। हम भी देखते हैं तुम इस आश्रम को छोड़ के कैसे नहीं जाती हो। ऋषि अत्रि तो इसी ओर आ रहे। यदि उन्होंने ये सब देख लिया तो ये तीनों देवियां श्राप की भागी बन जाएंगी। बहुत आदर करती हो ना अपने पति का? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, मेरे पति ही मेरे जीवन है। किंतु हमें संदेह है देवी, यदि आप अपने प्रेम और आदर का हमें प्रमाण देना चाहती हैं, तो फिर चले जाइए इस आश्रम से। यदि आप अपनी पति की इच्छाओं का सम्मान करती हैं तो आपको हमारी इच्छाओं का भी सम्मान करना होगा। यदि आप सब यही चाहती हैं, तो ठीक है, मैं इस आश्रम के बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हूँ। यदि वो चाहे तो मैं ये आश्रम छोड़कर सदा के लिए चली जाऊंगी। नारायण नारायण, आप लोग धन्य है माता। इतनी युक्ति लगाने के पश्चात भी माता अनुसुईया अपने पति के विरुद्ध नहीं हो पाई। मैं क्षमा चाहता हूं माते, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग अपने अपने कार्य में असफल हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने लोक में प्रस्थान कर लीजिए, क्योंकि यदि ऋषि अत्रि यहाँ पर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखा तो आप लोगों को श्राप भी दे सकते हैं। हम परमेश्वर की पत्नियां हैं, हमें मनुष्यों का श्राप नहीं लग सकता। आप ये भूल रही हैं कि ऋषि अत्रि अपनी पत्नी के प्रताप से परमेश्वर के समान हो गए। वे आप लोगों को श्राप दे सकते हैं और उनका श्राप आप लोगों को लग भी सकता है। देवी, स्वामी, आप यहाँ बाहर किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? स्वामी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि आश्रम में तीन देवी आई हैं, वे आपसे मिलना चाहती हैं। तीन देवियाँ? कौन है ये देवियाँ? स्वामी, वे कह रही हैं कि वे आपकी पत्नियां हैं, किंतु स्वामी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी तीन महीने और भी है। मैंने आपके अतिरिक्त आज तक किसी से विवाह किया ही नहीं। वैसे कहाँ है ये देवियाँ? वे आप ही की प्रतीक्षा करी। आइए स्वामी, आइए स्वामी। कहाँ गई वो देवियाँ? अभी भी इधर ही थी। वो इधर ही गई होगी, मैं अभी देखती हूँ स्वामी। देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हमारे आश्रम में। ऋषि अत्रि अपनी योग विद्या से
ये जान गए थे कि तीनों देवियां उनकी पत्नी देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आई थी, किंतु वो जो नहीं जान पाए थे वो ये है कि अपने उद्देश्य में असफल तीनों देवियां अपने पतियों के पास पहुंची और उन्होंने हम त्रिदेवों से स्पष्ट कह दिया, यदि हमने देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं किया तो तीनों देवियां सदा सदा के लिए हमें भी त्याग देंगी। ये आप क्या कह रही हैं? किसी स्त्री का प्रेम पति के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा लेना और वो भी सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना, ये कैसे संभव है देवी? आप त्रिदेवों से ही इस सृष्टि का चक्र चलता है, भला आपके लिए क्या असंभव है स्वामी? क्या आप सब अपनी पत्नियों की इतनी सी बात नहीं मान सकते? देवी, हमें संसार में धर्म की स्थापना करते हैं, उसे खंडित नहीं। आप ही बताइए, हम देवी अनुसुईया की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? किंतु ये तो अधर्म होगा। अधर्म तो तब होगा जब कोई साधारण स्त्री हम त्रिदेवियों से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर ले। हाँ प्रभु, संसार की कोई भी स्त्री हम त्रिदेवियों से अधिक पतिव्रता हो ही नहीं सकती, और ये आप तीनों को सुनिश्चित करना ही होगा। देवी, आपके इस हट में किसी का हित नहीं है, इसलिए मेरी विनती है आपसे, इस हट को त्याग दीजिए। प्रभु, हमारा हट उचित है या अनुचित ये तो सती अनुसुईया की परीक्षा के पश्चात ही ज्ञात होगा। यदि आप सबने हमारी बात नहीं मानी तो हम त्रिदेवियां आप सबको छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है देवी, यदि यही आपकी इच्छा है तो हम देवी अनुसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे। ऋषियों, मैं जानता हूं इस समय आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि हम त्रिदेव ऐसा धर्म कैसे कर सकते हैं, किंतु कभी कभी वर्तमान में जो अनुचित लगता है उनसे ही भविष्य की नई स्थापनाओं का जन्म होता है। हे महादेव, हे नारायण, हम अपनी पत्नियों के कहने पर देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने तो आ गए हैं, किंतु हमें पुनः एक बार सोच लेना चाहिए कि हम कोई अधर्म तो नहीं करने जा रहे। ब्रह्मदेव, इस परीक्षा के माध्यम से हमें संसार की सबसे पवित्र स्त्री सती अनुसुईया के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है ब्रह्मदेव? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे अतिथियों, आप सबका स्वागत है, आइए आसन ग्रहण कीजिए। इससे पहले कि हम आसन ग्रहण करें, आपको हमें एक वचन देना होगा कि आप हमें भोजन हमारे नियमानुसार ही कराएंगी। मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया आप सबको वचन देती हूँ कि मैं आप सभी को आपके नियम के अनुसार ही भोजन करवाऊंगी। तो ठीक है देवी, हमने एक प्रण लिया है कि हम किसी भी यजमान से तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब वो यजमान निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगे। हमारी इतनी कठिन शर्त सुनकर भी देवी अनुसुईया के मुख पे तनिक भी चिंता नहीं आई, इससे उलट उन्होंने जो कहा वो केवल देवी अनुसुईया जैसी ही पतिव्रता स्त्री ही कह सकती है। एक माता और शिशु के मध्य किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं होती। मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे आप सबको अपने संतान के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं आप सबको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हूँ, आइए। हे त्रिदेवो, हे सृष्टि के सभी देवी देवता, यदि मैंने अपने तन मन और वचन से किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया और यदि मैंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो ये साधु अभी और इसी क्षण 6 माह के शिशु बन जाए ताकि मैं इन्हें इनका इच्छा अनुसार भोजन करवा सकूं।
नारायण नारायण। धन्य है देवी अनुसुईया जिन्होंने अपने सत्यत्व के बल पर इन तीनों त्रिदेवों को अपना पुत्र बना लिया। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने माता बनने का सौभाग्य दिया, मैं तो धन्य हो गई। माता बन के दूध पिलाया, पूरी कामना सफल हुई है। परीक्षा में वो सफल हुई है। हे त्रिदेवो, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप दर्शन देकर मुझे धन्य करें। देवी अनुसुईया, हमने अहंकार वश आपकी परीक्षा ली, हमें क्षमा कर दीजिए। देवियों, आप लोग के कारण ही तो मुझे तीन तीन पुत्र मिले। एक स्त्री के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। देवी, हम त्रिदेव इस जगत के कारण हैं, हमसे ये सृष्टि जन्मी है, किंतु आपने अपने सतित्व से अपने पति को परमेश्वर बनाकर हम त्रिदेव को अपना पुत्र बना लिया है। देवी अनुसुईया, आप धन्य हैं, आपके समान इस संसार में और कोई पवित्र स्त्री नहीं है। आपका जीवन सभी स्त्रियों के लिए एक उदाहरण रहेगा। बोलिए देवी, आपकी क्या इच्छा है। प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जिसमें आप तीनों का अंश हो। तथास्तु। प्रभु, आपने हमें देवी अनुसुईया की कथा सुनाकर हमें धन्य कर दिया। हाँ ऋषिकर, इसीलिए देवी अनुसुईया को हम त्रिदेवों की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस घटना के पश्चात देवी अनुसुईया के गर्भ से एक महान बालक का जन्म हुआ। प्रभु, आपने हमें कर्म का ज्ञान दिया और कर्म करते हुए एक महान देवी की कथा भी सुनाई। इस महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए हम और संपूर्ण जगत सदा आपके आभारी रहेंगे। किंतु प्रभु, हम सब ऋषिगण आपसे योग के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषिवर, योग को अपने भीतर धारण करके आप सभी योगी बने हैं, तो भला आपको योग ज्ञान की क्या आवश्यकता। प्रभु, हम जो योग जानते हैं वो आध्यात्मिक है, इसलिए हमारे योग साधना को साधारण लोग नहीं समझ सकते। आप हमें साधारण शब्दों में ये बताएं कि योग क्या है। जब मनुष्य सच्चे मन से और पूरे हृदय से ईश्वर से जुड़ जाता है तो उसे योग कहते हैं। किंतु प्रभु, योग में ध्यान का क्या महत्व है। प्रभु, ऋषिवर, माया के बंधन से बना व्यक्ति अपना सत्य भूलकर अपनी काल्पनिक सत्य में जीने लगता है। ध्यान के द्वारा वह अपनी आत्मा की ओर लौटता है, अपने सत्य को पहचानता है, और जब वो ये जान जाता है कि उसकी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, तो वो स्वयं ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रभु, आपने बड़े ही सरल शब्दों में योग और ध्यान का अर्थ समझा दिया है, किंतु योग के कितने प्रकार होते हैं। प्रभु, योग तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। योग की पहली विधि है ज्ञान योग। इसमें व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है और वह परमेश्वर को पा लेता है। और जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण स्वयं ही ईश्वर का आभास होने लगता है, तो वह भक्ति योग करके ईश्वर को प्राप्त करता है। किंतु ये इतना सरल नहीं है, इसमें व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करके ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। हे ऋषियों, सभी योग में ध्यान योग सबसे कठिन है। जन्म से मनुष्य के मन ब्रह्मांड के सभी रहस्य वास करते हैं,
किंतु जब वो हट पूर्वक उन्हें जानने का प्रयास करते हैं तो इंद्रिया मन के साथ, मन बुद्धि के साथ, और बुद्धि स्वयं अपनी आत्मा में लीन होने लगती है, जिससे साक्षी भाव का जन्म होता है। साक्षी का अर्थ है स्वयं के सत्य को स्वयं द्वारा ही देखना, और यही ध्यान योग है। प्रभु, हम धन्य हो गए अध्यात्म के इतने कठिन विषय को इतने सरल शब्दों में केवल आप ही कह सकते हैं। प्रभु प्रभु, ध्यान के द्वारा मनुष्य ब्रह्मांड के जिस परम सत्य प्रकृति और पुरुष तक पहुंचता है, वो प्रकृति और पुरुष क्या है? ये ब्रह्मांड दो मूल तत्व से बना है, एक पुरुष दूसरी प्रकृति। जैसे स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान का जन्म होता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड का जन्म होता है। प्रभु, अध्यात्म में सदा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात होती है, हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है? न जानता हूं, या आप ये प्रश्न अपने लिए नहीं संसार के लिए पूछ रहे हैं। तो सुनिए, अध्यात्म में शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और उसे जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। किंतु शरीर को जानने का अर्थ क्या है प्रभु? शरीर अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, ये माया का अंग होता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलते ही रहता है और फिर एक दिन मिट जाता है। इसलिए जो क्षेत्रज्ञ होता है वो जानता है कि ये शरीर केवल 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्रभु, तो मनुष्य और परमेश्वर में क्या अंतर है? मनुष्य और ईश्वर में वही भेद है जो सागर और उसकी बूंद में है, किंतु अज्ञान के कारण मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख सताते रहते हैं, और जब तक वो स्वयं को कारक मान के कर्म करता है तब तक उस कर्म के फल को भोगने के लिए वे बार बार और अनेक अनेक योनियों में जन्म लेता है, जबकि अनादि और शाश्वत ईश्वर और प्रकृति का संचालन तो करता है पर स्वयं कोई कर्म नहीं, और इसलिए ईश्वर पे काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। प्रभु, अब तक गीता का ये ज्ञान केवल मुनियों और ज्ञानियों के लिए था, किंतु आज आपने जो गीता का ज्ञान दिया है उससे संसार के मनुष्य सदा लाभान्वित होते रहेंगे। प्रभु, हम आपको ये वचन देते हैं कि गीता के इस ज्ञान को सुरक्षित रखेंगे, जिससे गीता के दिव्य ज्ञान से संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन होता रहे। जब जब इस संसार में अधर्म का अत्याचार बढ़ता है तब तब आप मनुज रूप में अवतरित होते हैं। आपके जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के सागर हैं, उनके नाम रूप लीला का कोई और छोर नहीं है। मेरे कृष्ण अवतार का उद्देश्य केवल कंस का अंत नहीं है अपितु संसार की रूढ़ियों और कुरीतियों का अंत है। इसलिए कृष्ण अवतार होने के बाद भी मैंने सीधा कंस का अंत नहीं किया, बल्कि पहले मैंने उन सभी भक्तों का उद्धार किया जो युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसके बाद अधर्मी अत्याचारी पापी कंस का अंत हुआ। ऋषियों, कंस के अंत के पश्चात भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे अवतार का उद्देश्य केवल अधर्मी का अंत नहीं था अपितु धर्म की स्थापना भी थी। इसलिए मैंने धर्म नगरी द्वारका का निर्माण किया। अब ना केवल इस संसार से सभी असुरों का अंत हो चुका है, बल्कि महाभारत के महायुद्ध में भी अधर्मियों का संहार हो चुका है। मैंने संसार रूढ़ियों और कुरीतियों का भी अंत कर दिया है, इसलिए मेरे अवतार का उद्देश्य अपूर्ण हो चुका है। प्रभु, हम धन्य हैं जो आपकी महालीलाओं की हम आदि से अंत तक साक्षी बने। सभी अवतारों में आपका ये कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है, इसलिए संसार में जो कोई भी आपकी लीलाओं का पाठ करेगा या स्मरण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु, ऋषियों, अब समय आ चुका है मेरे महाप्रस्थान का।